नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो रेमेडीज़ हैं उन पे उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और C3 तक हमने जो है वो देख लिया था रेमेडीज़ को, और आज हम बात करेंगे इस ग्रुप की, कैंसर ग्रुप की अगली रेमेडी C4 के बारे में। C4 अपने ग्रुप की बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि बोन पे इसका डायरेक्ट वर्क देखने को मिलता है। बोन पे वर्क है डायरेक्ट, और बोन की रेमेडीज़ को बोला जाता है। और इसके प्लांट्स की हम बात करें तो लगभग सारे प्लांट्स हमने पढ़ लिए हैं, एक प्लांट को छोड़ के जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। वो प्लांट है सिम्फाइटम ऑफिसिनलिस, और होम्योपैथी में भी ये प्लांट बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता है। इसका मदर टिंचर भी और पोटेंसी भी, पोटेंसी ज़्यादा यूज होती है। और डेंगू में लगभग हर मरीज़ को होम्योपैथी में सिम्फाइटम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ बोन पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और हमारे यहाँ भी C4 में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सिम्फाइटम का। होम्योपैथी में भी हड्डी जो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वहाँ पे सिम्फाइटम का हायर डाइल्यूशन दिया जाता है। हम भी सिम्फाइटम मतलब C4 को हायर डाइल्यूशन में दे के हड्डी को जो हड्डी का जोड़ना है, जो जुड़ान है, उसको प्रमोट कर सकते हैं, जल्दी हड्डी जुड़ जाएगी। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक फिनोलिक एसिड इसमें पाया जाता है, इसके जो प्लांट है उसमें, प्लांट के एक्सट्रैक्ट में। और जो फिनोलिक एसिड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन मतलब जहाँ पे टिश्यू डैमेज हो गए हैं वहाँ पे ये रिपेयर का काम बहुत अच्छे से करता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए ये केवल हड्डी नहीं, कहीं भूख नहीं लग रही है वहाँ प्रमोट करने में, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है उसको प्रमोट करने में ये यूज़ होता है सिम्फाइटम ऑफिसिनलिस, मतलब C4, सिम्फाइटम का मतलब C4, क्योंकि सिम्फाइटम जो है वो प्रतिरूप पौधा है जो C4 का है। यानी कि सिम्फाइटम जो जो बोलेगा, जो जो कहेगा, वो C4 रेमेडी के बाकी प्लांट्स उसके पीछे जो है वो एक्ट करेंगे। और कोई अल्सरेटिव सरफेस हो तो वहाँ पे एपिथीलियम की जो ग्रोथ है उसको ये प्रमोट करता है, मतलब टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो एपिथीलियम को ग्रोथ प्रमोट करके वहाँ पे उसकी हीलिंग को प्रमोट करता है। सिम्फाइटम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि C4 भी वहाँ करे जो है वो काम करेगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक और जो डियोडेनल से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, जो अल्सर हैं, क्योंकि वहाँ भी टिश्यू डैमेज होता है और वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, तो C4 वहाँ भी एक रोल जो है वो प्ले कर सकता है सिम्फाइटम, क्योंकि C4 सिम्फाइटम ऐसा देखा गया है। हालांकि जो मोस्टली है वो बोन के रिलेटेड हम, और जो फिर बोन में, क्योंकि बोन मैरो और दूसरी चीज़ों से जो है फिर ब्लड भी वहाँ पे की फॉर्मेशन होती है, उन सबको भी C4 मतलब सिम्फाइटम और दूसरी रेमेडीज़ के साथ लग के जो है वो काम करती है। न्यूरोलजिया ऑफ नी, वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क इसका जो है वो देखने को मिलता है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ सिम्फाइटम की हैं जो कहीं ना कहीं C4 में हैं, और C4 का जो मेन एक्शन है उसको सिम्फाइटम हमेशा डिनोट करके चलता है। अब हम जो है C4 की बात कर लेते हैं। ये एक सिम्फाइटम प्लांट था जो हमने पढ़ लिया है। और C4 की बात करें, C4 के बारे में तो अपने ग्रुप की 4th रेमेडी है, और वही कंपैरिजन में हम आए तो वो सारी जो प्रॉब्लम है जिनको C1 जहाँ पे काम करता है और उसकी 4th स्टेज अगर आ गई है तो वहाँ पे C4 को हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। और उन सभी जगह ये जो है वो काम करता है। एक चीज़ और भी है, कोई रोग अगर हड्डी से स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे C4 काम करेगा, और या कोई रोग सुपरफिशियली मतलब ऊपर के किसी सरफेस से स्टार्ट होके और अब 4th स्टेज में जाके हड्डी तक पहुँच गया है, ये इसी को हम 4th स्टेज बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप कैंसर रिसेप्टर 4 C4 का जो है वो उपयोग देखेंगे।
लगभग सभी रेमेडी इसको सपोर्ट करती हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, और सभी रेमेडी को ये सपोर्ट करता है। जहाँ भी हार्डनेस हमें दिखे, बहुत ज़्यादा पत्थर की तरह हार्डनेस हो जाए, फिर चाहे वो कोई ट्यूमर हो या नॉर्मल कहीं पे कोई ग्रोथ हो जाए, तो वहाँ पे भी हम C4 को इंटरनली एक्सटर्नली देके उसकी उसको थोड़ा सॉफ्ट करके फिर बाद में C3, और जब काफ़ी सॉफ्ट हो जाए बाद में फिर C2, इस तरीके से हम इसके काम को बढ़ा सकते हैं। तो बोन रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में, फिर चाहे वो मैलिग्नेंट ग्रोथ हो या फिर बेनाइन ग्रोथ हो, वो हार्ड हो, हड्डी से स्टार्ट हुई हो या बाहर कहीं से स्टार्ट हो गई, हड्डी पे चली गई हो, तो वो सब मतलब किसी भी कंडीशन में कहीं ना कहीं वो अगर बोन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे आपको इसका वर्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा C4 का, क्योंकि हड्डी भी एक प्रकार का कनेक्टिंग जो टिश्यू ही है, वो थोड़ा हार्ड होता है, कठोर होता है, जो जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है वो बहुत हार्ड होते हैं। और हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं दो टाइप के, ये जो बोन स्ट्रक्चर है उसको हम मान के चलते हैं, निर्जीव सजीव भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, जैसे जो अंदर हमारी हड्डी हैं वो सब इंटरनल हो गई, सब सजीव हो गई, जीवित हो गई और मृत हो गई, या सजीव नहीं है निर्जीव हैं उनको बोल दिया जाता है कि भाई हमारे जो नाखून हैं और जो बाल हैं वो, तो दोनों तरीके की ये जो ये चीज़ है इंटरनल स्ट्रेंथ वहाँ पे काम करती है, यानी कि कहीं नाखून की प्रॉब्लम हो, ब्रिटल नेल हो, ने फटे बुरे हालत में हो, अलग अलग कलर डिसकलरेशन जो है वो उसमें हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नाखून हो, बाल गिरना, बाल समय से पहले सफ़ेद होना, ये सारी कंडीशन जो है इन सब में C4 अपना रोल जो प्ले करती है, केवल इंटरनल ही, एक्सटर्नल भी हम इसको बालों के जो हेयर ऑयल हम बनाते हैं उसमें भी C4 को हम बाकी दूसरी रेमेडी के साथ डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा ही होगा A2, S5, C4 और L1, F2, Ven1, क्योंकि Ven1 में थूजा होता है, थूजा एक्सटर्नली बालों पे अच्छा काम करता है, और APP, ये सब जो है हम ऑयल में D4 में बना के उसकी मसाज करते हैं, तो वहाँ हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा जो शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के बनने को ये प्रमोट करता है, क्योंकि C4 में कैल्शियम नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते देखे जाते हैं कि C4 में कैल्शियम होता है, एक्चुअली तो कैल्शियम नहीं होता है, इसके कंपोनेंट में होगा भी तो बहुत कम, इतना नहीं कि वो कमी की पूर्ति कर सके, लेकिन हाँ ये कैल्शियम की जो कमी है उस कमी को ज़रूर ये पूरा कर देता है। कैसे पूरा करता है, ये प्रमोट करता है कैल्शियम के बनने को, ये हमें ध्यान में रखना है कि C4 में एक्चुअली इट्सेल्फ देर इज नो सफिशियंट कैल्शियम, बट इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। लेकिन जब बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए या कैल्सिटोनिन जो है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ये हार्ट पे सीधा सीधा इफेक्ट डालती हैं, और हार्ट जो है वो पेल्पिटेशन, बार बार धड़कन बढ़ना, और मतलब सही से हार्ट काम नहीं करता है, तो वहाँ भी हम, क्योंकि कैल्शियम से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वहाँ भी C4 का हम हायर 200 के आसपास का डायलेशन देके कैल्शियम की ज़्यादा वाली जो स्थिति है उसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। साथ में दूसरी रेमेडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है उसको पिघला के बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं किडनी की सपोर्ट, किडनी की रेमेडी की सपोर्ट भी हमें करनी होगी, L1 की सपोर्ट भी करनी होगी, S6, C6, L1, ठीक है, ये सारी जो रेमेडी C17, ये सारी रेमेडीज़ का कॉम्बिनेशन बना के भी हम C4 के साथ या C4 को अलग से हाई डायलेशन में देके कुछ डोज, और फिर जो है किडनी की जो उससे उनको बाहर निकाल लें, तो कैल्शियम की जो वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि कैल्शियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाने से बहुत सारी दिक्कतें जो शरीर में है वो देखने को मिलती है। कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी जो है वो हड्डियों पर ही एक तरीके से जो हड्डियों के थ्रू ही जो संचय उसका होता है, तो कई बार ये भी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, और इसके ज़्यादा होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और एक चीज़ और है कि न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जो होती है उसके लिए फास्फोरस ज़रूरी भी होता है, जितने भी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी हैं
वहाँ पे फास्फोरस का उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम का जो अवशोषण है वो भी आंतों में होता है, छोटी आंत में होता है, और वहीं उसी जगह फास्फोरस का अवशोषण होता है। हाँ, फास्फोरस ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फास्फोरस और विटामिन डी, जो विटामिन D3 है, वो सब ये भी एक दूसरे से रिलेट होते हैं। और आप देखें अगर एंडोक्राइन सिस्टम में आप जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। पढ़ के देखना आप लोग, ये सारा जो कहीं ना कहीं जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं वो सब इनके सिक्रेशन को जो है कम ज़्यादा करने में एक रोल प्ले करती हैं। तो अगर हम देखें और पढ़ें समझें तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के मेटाबॉलिज्म में जो हैं पैराथायराइड हार्मोन और विटामिन D3, ये इन दोनों का रोल है, और ठीक ठाक जो वैल्यू इनका रोल है। पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन जो है कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करते हैं, एस्ट्रोजन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड हार्मोन्स, ये सब अपना रोल प्ले करके तब ये सारी चीज़ों का सिक्रेशन कम या ज़्यादा होता है। अब C4 इन सब चीज़ों पे फास्फोरस और कैल्शियम को कंट्रोल कर रही है, यानी कि C4 का जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लैंड्स पे भी थोड़ा बहुत है, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फास्फोरस की जो ज़्यादा वैल्यू हो गई है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आप C4 का सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन देके उसकी वैल्यू को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा है तो आप S6 वगैरह को देके उसको जल्दी से बाहर भी निकाला जा सकता है। और C4 का जो एक रोल है वो बहुत देखा है हमने, जो ड्राई पाइल्स होते हैं वहाँ पे हेमोरेड्स में जो है बहुत बहुत अच्छा रोल है। C4G A2 L1 VEN1, इसको आप कभी नेगेटिव में 30 डाइल्यूशन के आसपास, 10th या 30-15 डाइल्यूशन के आसपास देंगे, 2 से 3 दिन में आपको वो इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा जो किसी भी रेमेडी से नहीं मिलता है, जो आपके ड्राई पाइल्स हैं। इसमें VER1 ऐड नहीं करना है, B ऐड नहीं करना है, G ऐड करना है, VEN1 ऐड करना है। और ऐसा लिकोरिया जिसमें वाइट चिपचिपा जो सीक्रेशन है वो होता है और कमर में दर्द होता है बहुत तेज, इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकेशन से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत कुछ आपने ट्राई कर लिया है, तो C4 का हायर डाइल्यूशन आप वहाँ दे के देखेंगे, 10th, 30 या 200 डाइल्यूशन L1 के साथ में, तो आप देखेंगे कि जो दूसरा फॉर्मूला आप दे रहे थे वही फॉर्मूले से इनके जो हायर डाइल्यूशन को साथ में चलाने से वहाँ पर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो C4 का कहीं ना कहीं जो है लिकोरिया, जो वाइट डिस्चार्ज है, थिक्की और चिपचिपा डिस्चार्ज है, उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। सीधा डिजीज़ पे हम एक्शन की बात करें तो कमर दर्द, ठीक है ना, किसी भी टाइप का कमर दर्द हो गया, कंधों में दर्द हो गया, हड्डी से रिलेटेड घुटनों में दर्द हो गया, जहाँ भी जोड़ों में दर्द है, नाखून का टूटना, बालों का गिरना, और दांतों में कीड़े लगना, कीड़े मतलब वही सड़न गलन वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे, हड्डी में जो है वो ट्यूमर हो जाना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, जोड़ों में स्टिफनेस हो जाना, और कड़ा हो जाना जोड़ों का, जहाँ पे उनका मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, इन सब जगह आप हेमरॉइड्स पाइल्स में, ठीक है, बाल गिरना, बाल सफ़ेद होना, कान से डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज होना कान में, वहाँ भी आप देखेंगे C4 का रोल है। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कान से, कान में दर्द है, तो जी के साथ आप C4 देंगे, A2 C4 G और VEN1 वगैरह देंगे, तो आप देखेंगे कि उन सब जगह भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है वो आपको देख, मतलब हड्डी के और जोड़ों के दर्द की तो ये एकदम पेटेंट दवाई के मेडिसिन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, दूसरी सहायक मेडिसिन के साथ में। बस सहायक मेडिसिन कब, ये कब सहायक मेडिसिन रहेगी और दूसरी मेडिसिन कब इसकी सहायक रहेगी, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई रोग अगर हड्डी से ही स्टार्ट हुआ है और हड्डी से स्टार्ट होकर वो कहीं बढ़ रहा है तो वहाँ C4 मेन मेडिसिन रहेगी और दूसरी जो रेमेडी है वो सहायक रेमेडी रहेगी। लेकिन अगर कोई जो बीमारी है वो
कहीं और से स्टार्ट होके और फिर हड्डी की तरफ बढ़ रही है, हड्डी में पहुंच गई है, तो वहाँ पे C4 सहायक रेमेडी रहेगी, और दूसरी रेमेडी जो जहाँ से जिस अंग से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ पे वो मेन रेमेडी रहेगी। ये थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत इसमें पड़ती है। और दांत की भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये। और आप जानते हैं हमारे जो शरीर है उसका जो सबसे हार्ड जो टिश्यू है वो इनामिल होता है, जो दांत पे हमारे चढ़ा होता है, डेंटिन के ऊपर जो लगा होता है, और उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार बहुत ज़्यादा खट्टा खाने से या बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने से, बार बार मुंह में वो एसिड आए, उल्टी हो, तो उस वजह से आप देखते हैं चस चस दांतों में ऊपर की जो लेयर है वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रॉब्लम में भी आप देखेंगे तो C4 बहुत तो बड़े लेवल पे आपको काम करता हुआ दिखेगा। C4 के बिना आप इन इन सारी कंडीशन को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये खून की कमी को प्रमोट करती है एनीमिया में, मतलब C4, क्योंकि बोन मैरो में ब्लड जो है वो फॉर्मेशन होता है, तो S5, C4, RE और L1, F1 ये सारी जो रेमेडीज़ हैं इन सबको कंबाइन करके हम देते हैं, तो कहीं ना कहीं एनीमिया में T4 में या D5 में देंगे तो बहुत जल्दी से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में हम इसी को F1 के जगह F2 करके और C4 के जगह C5 करके, A2 के जगह A1 करके पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे भी लगा सकते हैं। वहाँ लगाने से भी जो जो है वो नर्व स्टिमुलेट होके जो ब्लड का फॉर्मेशन है उसको प्रमोट होगा। एक्सटर्नल यूज़ में अगर हम देखें तो जो जहाँ जो गांठ जहाँ जिस जगह आपको लगाना है वहाँ बहुत हार्डनेस है, छूने से पेन होता है या नहीं भी होता है, बहुत हार्डनेस है, अगर वो पत्थर की तरह नोटी है, तो वहाँ पे आप C4RE A2 C4RE लगाएंगे। कब तक? जब तक उस थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट होते ही उस पर C4 की जगह C3 कर देंगे हम। तो इस टाइप से हम जो है एक्सटर्नल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और हड्डी टूटने में मैंने बताया था ये हायर डायलेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, और बोन पेन में, डेंगू में होने वाले दर्द में, अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस, पोली अर्थराइटिस, सब जगह C4 आपको यूज़ करना ही पड़ेगा जहाँ हड्डी से जुड़ी हुई चीज़ें। बस ये मैंने बता दिया कि डायरेक्ट हड्डी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो C4 प्राइमरी रेमेडी रहेगा, बाकी सब हेल्पिंग रेमेडी रहेगी, और कहीं और से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है फिर वो हड्डी की तरफ आई है तो C4 जो है वो हेल्पिंग रेमेडी रहेगी, बाकी जहाँ से वो स्टार्ट हुई है, जहाँ जहाँ जिन जिन ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ वो सब जो है उसकी वो सेकेंडरी रेमेडी रहने वाली है। तो ये चीज़ ये था C4 के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।